हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नीलू की स्वीट किचन में आज बन रहा है, ये देखिए, सूजी। जो कि आपके घर में सूजी का हलवा या उपमा कुछ भी बनाते हो तो एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसको हम इधर सुधर करके नहीं तो फेंक देते हैं, नहीं तो कहीं ऐसे जगह डाल देते हैं। तो चलिए उसी सूजी के हलवे या उपमे से चलिए बनाते हैं कुछ डिलीशियस सी कचौरी, जो कि बहुत ही खस्ता बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, ये मीठा वाला आपके यहाँ हलवा या बचा हो या नमक वाला कोई उपमा बचा हो, दोनों से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। यहाँ हलवा देखिए, सूजी का हलवा बचा हुआ है, तो ये रेसिपी मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ डस्टबिन में जाए इससे वेस्ट है। कुछ बना के अच्छे से नाश्ता आप अच्छे से नाश्ता बना के किसी को मन चाहे आप चहेते ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं सूजी का हलवा मेरा बचा हुआ है, तो मैं इसको पहले ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंड करना है तो ऐसे तो होगा नहीं, ये सूखा सूखा है तो ऐसे तो होंगे नहीं ग्राइंड, तो इनमें थोड़ा सा डालेंगे आप दही। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने दही डाला, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आते हैं। 2 से 3 चम्मच आप दही डाल दीजिए, या मंठा या पानी जो भी आपके पास, यानी अच्छे से स्मूथ एकदम इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, स्मूथ एकदम पेस्ट बन के दोस्तों रेडी हो चुका है। और आप सूजी के बहुत ही डिश, बहुत ही रेसिपी देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे, या फिर मैंने भी देखे, बट ये एकदम न्यू रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, एकदम स्मूथ जो मैंने हलवा का मिश्रण था वो स्मूथ एकदम पीस के रख दिया है। तो यहाँ पे अब स्मूथ ये होने से काम तो चलेगा नहीं, अब इसी जार में हम डालेंगे, पहले इसकी मसाला रेडी करते हैं जो कि इस कचौरी की जान होगी। यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिया है साबुत जीरा, फिर करी पत्ता 8 से 10, फिर उसके बाद आपको डालना है लहसुन का कलियाँ, और फिर डालना है अदरक का कलियाँ, सॉरी लहसुन, और फिर अदरक का 1 पिंच अदरक डाल देना है, और उसके बाद मिर्चा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से तीखा स्पाइसी जैसा चाहिए आपको वैसा ले सकते हैं, वैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 मिर्चा लिया है हरा वाला, और ये देखिए कितना कलरफुल आया है मेरा पेस्ट, अदरक लहसुन मिर्चा जीरा का और करी पत्ता का, बहुत करी पत्ता अच्छा फ्लेवर देती है। तो यहाँ पे अब यही 1-2 से 3 चम्मच हम उठाकर डाल देंगे अपने सूजी वाले कचौरी में। और सूजी की कचौरी है, चाहे तो आप इसके अंदर आलू वालू भी भर सकते हैं, या कोई भी बैटर अगर हो, मतलब कोई भी फिलिंग्स आप उसमें फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी बनाएंगे मसाला कचौरी सूजी की तो भी बहुत सी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिया है गेहूँ का आटा, और मैंने 1 कप मैदा लिया है, और 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, वही 4 से 5 चम्मच बड़े वाले मैंने लिया है बेसन, ये बेसन है मतलब चने का बेसन है। तो आप पहले रिशू ले लीजिए, 1 कप मैदा या 1/2 कप मैदा, 1/2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप से थोड़ा कम बेसन। अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है कुछ भी ऐसा, तो अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चावल जो पीस के रखे थे, तो चावल को मैं सूजी को मैं अच्छे से इसको दोस्तों वो कर दूंगी। अब देखिए, यहाँ पे प्लेट में मैंने रख दिया है, और माफ़ करिएगा मेरे मुंह से चावल निकल गया। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे सूजी को अच्छे से स्मूथ करके पीस लिया था ना, तो ये इसी में मिलाना है। फिर मैंने मसाले में क्या डाला है, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और उसके बाद गरम मसाला, नमक, इतना मैंने डाला, वही जो ग्रीन वाला मसाला मैंने पीसा था अदरक लहसुन का, तो वो भी मैंने 1 चम्मच डाला। अब इसी में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच लगभग बड़े वाले चम्मच से ऑयल आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, फॉर्म ऑयल, शुद्ध राई, या जो भी घी, जो भी आपको पसंद हो आप उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच डाल दीजिएगा। फिर इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए और सेट होने के लिए मैं रख दी थी।
अब इसके बाद मैं इसको, चलिए इसका मेन आकार देती हूँ जिसके लिए मैं इतना तामझाम की। तो यहाँ पे पहले ऑयल लगा लेते हैं हाथ में, फिर सूजी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये गोला गोला करने के बाद अब डालेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ गोला गोला मैंने आकार नहीं देना है मुझे, आप गोला गोला भी कर सकते हो वड़े के सेब में, लेकिन थोड़ा सा चिपटा कर दोगे तो बेस्ट, मतलब क्या होगा, बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। और धीमी आँच में मैं आपको रखना है गैस को। तो यहाँ पर कढ़ाई में अब डालूँगी ऑयल और गैस मेरा चालू है। ऑयल आप मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड कोई भी ले सकते हैं अपने मनपसंद जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए मेरी ये बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं, गुथी हुई सूजी और आटे की और सारे। और यहाँ पे फिर मैं अब एक एक करके सारे ऑयल में डाल रही हूँ। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही न्यू, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। आप सूजी से, पोहे से, मतलब बहुत ही नाश्ता रेसिपी बनाए होंगे, बट ना ऐसे तो आप खस्ते कचौड़ियाँ बच्चों के टिफ़िन में हमेशा देते हैं हस्बैंड को, हमेशा ऑफिस जाते हैं, मतलब कुछ भी अदल बदल के आलू की कचौड़ियाँ, ये कचौड़ियाँ, वो कचौड़ियाँ, बहुत ही कचौड़ियाँ दिया है। मसाला कचौरी देने की बात ही नहीं है कि क्या दे दे, लेकिन टिफ़िन में बच्चों को बहुत पसंद आएगी। हाँ दोस्तों एक बात और, ये मीठा, अगर आप मीठा, मतलब बच्चों को अगर मीठा तरीके से खिलाना चाहते हो तो इसमें शक्कर का प्रयोग कर दीजिएगा आधा कप या एक कप, और अगर नमकीन खाना चाहते हो तो मेरे जैसे स्वाद अनुसार नमक डाल के बनाइए करारा करारा। ये नहीं है कि नमक या शक्कर, इनमें से कोई भी आप डाल सकते हो अपने मनपसंद का। तो यहाँ पे देखिए करारी कचौरी और बहुत कम ऑयल सोखी मैंने, मुझे लगा सूजी है तो ऑयल बहुत लेगी, बट ना मैं क्या बताऊँ, मैं जितना था ना मेरा ऑयल कढ़ाई में उतना पूरा सेब बच गया, तो बिल्कुल भी ऑयल इन्हें नहीं एब्जॉर्ब किया। तो दोस्तों बताइएगा कि कैसी मेरी ये सूजी की कचौरी लग रही है, और आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आपको जम जाएगी। और हाँ ध्यान दीजिएगा कि तेज आँच में आपका ये कचौरी ना तलें, आप धीमी आँच में, एकदम स्लो आँच में, स्लो मीडियम आप उसी आँच में रखिएगा। और एक बैच मैंने निकाल लिया है, अब दूसरा बैच में डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अलट पलट के अच्छे से कचौरियाँ को निकाल ले रही हूँ और जो जो पक गए हैं। और इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे दही, दही है ये, और दही मसाला वाली दही मैंने बनाया है, और बार बार रेसिपी मैंने दिया है मसाला वाली दही की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब कचौरियाँ मैं लगा रही हूँ, तो एक एक करके सारी कचौरियाँ देखिए। अब बिल्कुल मैं आपको अभी दिखाऊंगी कितनी खस्ती और कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे आप किसी भी सॉस, चटनी या दही के साथ आप उपयोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सूजी और मिक्स कचौरी बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे सॉस, मतलब चटनी मैंने रख दिया थोड़ा सा, आपको जिसे पसंद है वो बना के खा सकते हैं। तो बताइएगा कि मेरी ये सूजी कचौरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करने से हटिएगा मत, जाते जाते एक कमेंट ठोकी देना और एक लाइक। यहाँ पे देखिए मैं आपको कचौरी दिखा रही हूँ, एकदम खस्ता, इतना अच्छा, मतलब आप खाओगे ना तो आपको खुद ही फील होगा, इसमें कोई फीलिंग नहीं डाली है, सिर्फ वही मैंने मसाला वाला लहसुन अदरक का, वही जो भी सूखे मसाले हैं वही डाली हूँ, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था और बहुत पसंद आया सबको। आपको, आपके फैमिली वालों को भी बहुत पसंद आएंगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप दही और सॉस कुछ भी जिससे अच्छा लगे वही खाइए, वैसे तो आप ऐसे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।